you piece yourself back together now. What's your vision? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास. डियर फ्रेंड्स, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे थे जिसमें कि हम नाउन के बारे में पहले से डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही आसानी और खुद की भाषा में. तो आज हम लोग करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत प्रोनाउन के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन होता है. तो इसमें हम देखेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है और कितने तरह के प्रोनाउन होते हैं, और ये प्रोनाउन हम कैसे जान सकते हैं बहुत ही आसानी वे से, और बहुत ही आसानी तरीके से हम कैसे सीख सकते हैं कि प्रोनाउन का प्रॉब्लम कैसे हल कर सकते हैं. सो आगे देखते हैं. तो प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ. जैसे कि मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन, विच यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन. नाउन के बदले प्रोनाउन यूज होता है. किसके बदले? नाउन के बदले प्रोनाउन यूज होता है. तो इसमें देखिए एग्जांपल है, ये आपका दिया है. माय फर्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं. माय फ्रेंड राजा केम टू माय रेजिडेंस यस्टरडे एंड राजा स्पेंड द होल डे विथ मी. तो इसमें हम पहले सेंटेंस देख लिए. देन इन द सेकंड सेंटेंस, माय फ्रेंड राजा केम टू माय रेजिडेंट यस्टरडे एंड ही स्पेंड. हियर आप मार्क करो, राजा हैज बीन रिप्लेस्ड विद ही स्पेंड द होल डे विथ मी. सो यू सॉ ए डिफरेंट हियर. राजा हैज बीन रिप्लेस्ड विद ही, राजा के बदले ही लगा है. तो इसमें हम देखेंगे राजा जो एक टू नाउन है तो उसके बदले ही लगा, तो ही क्या हो जाएगा अभी? ना ही हो जाएगा, आपके प्रोनाउन हो जाएगा. तो हम अभी देखेंगे कितने तरह के प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, कौन कौन सा वर्ड होते हैं प्रोनाउन. तो देखिए दिया है आई वी यू ही सी दे इट, ये सारे प्रोनाउन होते हैं और दे आर कॉल्ड द पर्सनल प्रोनाउन्स. ये कुछ व्यक्तियों को बताता है, इसलिए हम इसको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है. कुछ वस्तुओं को भी बताता है तो इसको हम क्या कहते हैं ना, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. जैसे कि इट है, होता है. ओके, इसमें हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल. आई एम ग्लैड टू रिसीव यू, तो आई क्या हो जाएगा? आई का मतलब आपका नाम क्या है. मैं कौन हूँ? मैं मास्टर सत्या हूँ. तो आई कौन है? मास्टर सत्य के बदले आई यूज हुआ. सी कौन है? सी यानी कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी लेडी या गर्ल हो सकते हैं. सी सफर्स इन हर प्रेजेंट जॉब, तो आप सी के बदले में किसी भी एक महिला के नाम, यानी कि कोई गर्ल्स यानी फेमिनाइन जेंडर वाला कुछ यूज कर सकते हैं. आगे देखते हैं वी का मतलब क्या हो सकता है? राम, गोपाल, श्याम, आई, ये सबको मिला के क्या हो सकता है? हम वी होता है. ओके, तो ये सारे नाम को हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं. ये सारे व्यक्ति को नाम, ये सारे चीज़ों के नाम बार बार हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए इसके बदले में एक ही वर्ड यूज करते हैं. तो मैं पहले से बताया था आप लोगों को कि हम प्रोनाउन इसलिए यूज करते हैं कि नाउन को बार बार यूज करके हम बोर नहीं होंगे, या कुछ लेखन पढ़ने में बोर नहीं होंगे, या कुछ बोलने में बोर नहीं होंगे. देखो ये बार दो बार राजा दे दिया है, ये दो बार राजा लिखेंगे तो अच्छा रहेगा क्या? नहीं, ही लिखेंगे अभी यहाँ राजा के बदले, तो ये और ही बेहतर लग रहा है. तो देखो ये दे है, दे रिटर्न होम सेफली. ओके, इट इज इन द स्टील बॉक्स, इट इज इन द स्टील बॉक्स. इट क्या होगा? ए बॉक्स. इट का मतलब कोई भी चीज़ हो सकता है, द लॉक हो सकता है. ओके, और भी बहुत सारी चीज़ हो सकता है. ईट का मतलब किसकी जगह में हो सकता है? किसी एनिमल्स हो या थिंग्स हो, इस जगह में हम ज़्यादातर के ईट लगाते हैं, है ना. तो इसमें देखिए कि क्या बता रहा है. इन द एबव सेंटेंसेस द अंडरलाइन प्रोनाउंस आर एक्टिंग एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. तो ये सब्जेक्ट की जगह ले रहे हैं. हम ही के बारे में बात कर रहे हैं, सी के बारे में बात कर रहे हैं, वी के बारे में बात कर रहे हैं, एंड इट के बारे में बात कर रहे हैं इन द गिवन सेंटेंसेस.
तो हम जिस हमें पहले से बताया था, हम जिसके बारे में सेंटेंस में बात करते हैं उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये सारे पांच जो सेंटेंस है इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसमें आई के बारे में, इसके सी, इसमें सी के बारे में, इसके वी के बारे में, दे के और इट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम जिसको बारे में बात करते हैं वो है सब्जेक्ट होता है। सो देयरफॉर दीज आर कॉल्ड सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस। सो इसको क्या कहा जाता है, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन कहा जाएगा। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन और पॉसेसिव पर्सनल प्रोनाउन। देखिए आगे, तो ये है पर्सनल प्रोनाउंस रिप्रेजेंट पीपुल्स और थिंग्स, ये व्यक्ति हो सकता है और चीज़ें हो सकता है। ओके, द पर्सनल प्रोनाउंस आर, इसमें कौन कौन सा है, आई, यू, ही, ईट, वी, दे, ये सारे क्या होगा ना, पर्सनल प्रोनाउन है। अभी मैं बताया था कि ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है और पॉसेसिव पर्सनल प्रोनाउन क्या है, हम देख लेंगे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में पर्सनल प्रोनाउन कौन होता है ना, सेंटेंस में कभी कभी नाउन और प्रोनाउन डिफरेंट प्लेसेस में यूज होते हैं। ओके, एक सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन डिफरेंट डिफरेंट जगह में यूज होते हैं, उसी के हिसाब से इनके नाम कुछ अलग अलग होता है। उनका नाम क्या होता है, उसी के हिसाब से उनका नाम होता है, अलग अलग होता है। ओके, जो कि केस है हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें देखो ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है पर्सनल प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के जगह में, केस का मतलब क्या है, जगह। ओके, चित्र, तो उसी जगह में यूज हुआ है इसलिए इसका नाम है पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव फिर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फिर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ना जिसके ऊपर काम किया जाता है। ओके, जिसके ऊपर काम किया जाता है, पहले ये वाला छोड़ देते, मैं एग्जांपल देता हूँ। ही गैव मी ए पेन। तो इसमें हम देखिए कि ही हो गया आपके सब्जेक्ट, गैव हो गया वर्ब, ओके, मी हो गया ऑब्जेक्ट और ए पेन हो गया ऑब्जेक्ट। तो काम किसके ऊपर हुआ है, मी के ऊपर भी काम हुआ है और किसके ऊपर काम हुआ है, ए पेन के ऊपर भी काम हुआ है। तो इसमें दोनों ऑब्जेक्ट है। अगर व्यक्ति को बताता है तो ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया, राइट। तो ये कौन सा जगह में और इसका काम, जो काम में होता है, जो काम में यूज होता है, जो नाउन और प्रोनाउन काम में यूज होता है उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट है दोनों, तो इसको ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन कहा जाएगा। मी को क्या कहा जाएगा, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन कहा जाएगा। तो देखिए आगे, इन द सेंटेंस इफ ए पर्सनल प्रोनाउन टेक्स द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, टेक्स द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। तो हम आगे देखेंगे कौन कौन सा जगह में पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ है, जैसे कि मी एग्जाम्पल मैंने दिया, यू हुआ, हर हो, हीम, ईड, ऑस, देम, हा, ऑल दीज आर पर्सनल प्रोनाउन। ओके, ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्ट केस में यूज होता है। हर आपका पहला सेंटेंस में नहीं हुआ, ये सब्जेक्ट में नहीं हुआ, देम सब्जेक्ट में नहीं हुआ, ऑस नहीं होगा, ओके, हीम आगे नहीं होता है, ओके, यू कैन बी सब्जेक्टिव, यू कैन बी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट में भी यूज होता है और ऑब्जेक्ट में भी यूज होता है। तो ये देखो, ये कैसे देखो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, आपको ये सारे चीज़ याद करना है, सब्जेक्टिव, सॉरी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। देखो आई, आई बिकम मी, ओके, आई बिकम, वी बिकम अस, दे बिकम देम, ओके, सी बिकम हर, सी बिकम हर, क्या हो जाएगा, हर। तो ये सारे होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ओके, हर इज ए गर्ल नहीं होगा, सी इज ए गर्ल होगा, हर इज ए गर्ल नहीं होगा, हीम इज ए बॉय नहीं होगा, ही इज ए बॉय होगा। तो ये अंतर आपको समझ में आ रहा है, यस, आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग। तो आगे देखते हैं, द प्रिंसिपल सेड, डियर स्टूडेंट्स, आवर चीफ गेस्ट विल एड्रेस यू। द प्रिंसिपल सेड, डियर स्टूडेंट्स, आवर चीफ गेस्ट विल एड्रेस यू, किसके ऊपर काम होगा, यू के ऊपर। एड्रेस वाला काम किसके ऊपर हुआ, यू के ऊपर। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। प्लीज डोंट फोर्स मी, प्लीज डोंट फोर्स मी टू एक्सेप्ट योर गिफ्ट, किसके ऊपर काम हुआ है, मी के ऊपर काम हुआ है। फोर्स करने का काम किसके ऊपर है, मी के ऊपर। वी हैव टू एडवाइज हिम, किसके ऊपर काम करना है, हिम के ऊपर काम करना है। किसको एडवाइस देना है, हिम, हम लोग का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। टू लिव विथ हर इन देयर इंटरेस्ट, इट इज हॉन्ग ऑन दी, इट इज हॉन्ग ऑन दी वॉल, इट इज हॉन्ग ऑन दी, इट इज हॉन्ग ऑन द वॉल। तो ये गिव ऑस, ऑस में हो जाएगा ये, ओके,
इस थोड़ा सा समझ में नहीं आया, राइट तो आगे देख लेते हैं। यस तो यस प्लीज ट्रीट देम, ये हो गया देम, हो गया आपके ऑब्जेक्टिव केस हो गया, राइट ओके। ये फोर्थ नंबर सेंटेंस थोड़ा सा ए में क्या है, इट इज़ हॉन्ग ऑन द वॉल, इट इज़ हॉन्ग ऑन द वॉल, ये सिर्फ आपके सब्जेक्टिव केस में दे दिया है एग्जांपल, ओके तो ये आपका नहीं हो सकता है। सो आगे देखते हैं, ये ऑब्जेक्टिव केस का नहीं होगा। पॉसेसिव का मतलब जो है आपका पॉसेसन बताता है, आपके पॉसेसन बताता है, हैविंग, पॉसेसन का मतलब क्या है, हैविंग बताता है, मेरा आपका तुम्हारा, राइट ये सारे पॉसेसिव होता है, पॉजेस करना कुछ। दिस काइंड ऑफ नाउन इज अ वर्ड रिवील्स द पॉसेसिव एस्पेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए पर्सन, जैसे कि योर्स, माइन, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स, इट्स, ये सब होता है। देखो इसमें कुछ एग्जांपल में दिया है जो कि ज़्यादातर के नेटिव स्पीकर लोग यूज करते हैं, ओके द ओरिजिनल स्पीकर ऑफ द लैंग्वेज। ये देखो ब्रदर द बिग हाउस इन आवर विलेज इज योर्स, ओके इज योर्स, ये हो गया आपके पॉसेसिव हो गया। एंड द प्लॉट इन द टाउन इज माइन, ये होगा आपके पॉसेसिव है ना। हीज इज इन द कपबोर्ड, हीज इज इन द कपबोर्ड, ये देखो ज़्यादातर के ये नेटिव स्पीकर लोग ये वाला बोलते हैं, ज़्यादातर के हीज इज नहीं बोलते है, ओके हीज इज इन द कपबोर्ड यानी कि उसका, ये बताए देयर्स विल बी हैंडेड ओवर टू देम शॉर्टली, उनके जी ये उनके दिया जाएगा, देयर्स, आवर्स, आवर्स इज ए वेरी नाइस फॉर्म हाउस, ओके ज़्यादातर के वी हैव ए, वी हैव ए, ओके ज़्यादातर के बोलते हैं वी हैव ए वेरी नाइस हाउस बोलते हैं, लेकिन इसमें नेटिव स्पीकर लोग आवर्स इज ए ये ज़्यादातर के बोलते हैं, राइट वी नहीं बोलते, आर्स, देयर्स, ओके ये यूज होता है। अगेन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ये क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जो कि हम दिखाते हैं किसी चीज़ को, पॉइंट करते हैं तो उसको डेमोन्स्ट्रेटिव कहा जाता है, ओके हाउ समथिंग इज हैपन और व्हाट इज इट और व्हाट इज दैट, दैट इज द थिंग। द वर्ड्स ऑफ प्रोनाउन दैट आर यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू व्हिच दे रेफर, जैसे कि दिस दैट दिच दोज, ओके दिस दैट एंड देयर प्लूरल फॉर्म दिच दोज, ये है आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दिस इज वन ऑफ द शर्ट्स व्हिच आई परचेज्ड ऑन द ईव ऑफ माई मैरिज, ओके दिस इज योर पॉइंटिंग द शर्ट, ओके दे आर पॉइंटिंग दिस शर्ट, यू आर सेइंग मैंगोज फ्रॉम एनी अदर प्लेस आर नॉट टेस्टी एज दोज फ्रॉम सलेम, अब सलेम के मैंगो के बारे में बात कर रहे हैं, पॉइंटिंग कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉइंट करना, ओके ये सिंपल बात है पॉइंटिंग करना। दीज आर, देखो दिखा रहे हो, दीज आर माई फेवराइट यंगस्टर्स, अब दिखा रहे हो, द कार व्हिच आई पर्चेस इज नाउ कॉस्टलियर देन दैट यूज इन माई यूथ, दैट अब इसको पॉइंट कर रहे हो, राइट दैट जो कि ये हुआ था, जो कि यूथ में यूज कर रहा तो वो उससे आप पर्चेस नाउ इज कॉस्टलियर, उससे ज़्यादा महंगा है और उससे इट इज मोर डियर टू दैट, इट इज मोर हायर इन प्राइस। देन अबाउट इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब देखो मैं बहुत आसानी हिसाब आसान भाषा से बता सकता हूँ, जो आप क्वेश्चन कर रहे हो, जो क्वेश्चन वाला सारी जो होता है ये ज़्यादातर के इंट्रोगेटिव होता है, और इसको इंट्रोगेटिव कहने का मतलब होता है ये सारे जगह का आंसर में कोई ना कोई नाउन का नाम होगा। देखो मैं क्वेश्चन करता हूँ हु इज़ योर फादर, आपका पापा का नाम आ जाएगा, आपका पापा का नाम आ जाएगा तो हु क्या हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। अब मिस्टर मिस्टर दास की जगह में आपका हु आ गया, हुम डू यू वॉन्ट टू टॉक टू, मिस्टर कोई भी हो सकता है या मिस या मिसेस कोई भी हो सकता है। हुई चीज़ योर पेन, पेन दैट होगा या किसी भी चीज़ का प्रोनाउन का नाम या नाउन का नाम आ जाएगा। वेयर हो गया, वेयर आर यू फ्रॉम, यानी कि आई एम फ्रॉम पटनागढ़, पटनागढ़ क्या किसकी जगह में यूज हुआ है ना, वेयर की जगह में, तो इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो किसी ना किसी हिडन नाउन की जगह में यूज होते हैं। तो ये मेरा सिंपल वे है, मैं ऐसे ही समझता हूँ और ये ही ऐसे ही समझना चाहिए। देखो हु डिस्कवर्ड अमेरिका, ये क्या है कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, इसमें आ गया कोलंबस आंसर आ गया हु के बदले में, तो हो गया ये नाउन के बदले में जो यूज हुआ उसको प्रोनाउन कहते हैं, और उसके हिसाब से इसको इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन करा इंट्रोगेटिव है,
the sentence which asks question interrogative, so the word which asks question also interrogative pronoun, right? So by whom this book was written, ab naam aa raha hai by whom ki jagah mein, which is your choice of the gift articles exhibited here, okay, ye sare answer aa raha hai. तो आप अच्छा आप इसको पढ़ के फिर से देख सकते हैं. देन नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन. तो ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है. आगे देखते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच जॉइंस स्टेट्समेंट परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ ए प्रोनाउन एंड आल्सो द वर्क ऑफ ए कंजक्शन. देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में जानना. ये ज़्यादातर की क्या करता है, उसका काम है दो स्टेटमेंट को ज़्यादातर के ज्वाइन करने का काम करता है और प्रोनाउन के काम करता है और साथ में कंजक्शन का भी काम करता है. और ये हम एग्जांपल से आसानी से हम समझ पाएंगे. जैसे कि देखो, यस्टरडे आई मेट माय फ्रेंड चरण, चरण हैड जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस. तो ये देखो, यस्टरडे आई मेट, सेकेंड सेंटेंस में क्या लिखा है, यस्टरडे आई मेट माई फ्रेंड चरण हू हैड जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस. देखो ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, जो कि बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, ये जो कि रिकवर्ड हुआ है, कल ही ये रिकवर्ड हुआ है. तो इसको जोड़ा रहा है, इस दोनों को क्या काम कर रहा है, जोड़ रहा है या इसके साथ रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है, इसलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है. और ये कंजक्शन का भी काम है, यानी कि वो जोड़ा रहा है. ऐसे ही जस्ट नाउ आई हैव फाउंड माई पासबुक, माई पासबुक was missing since last day. तो ये भी जोड़ने का काम कर रहा है और साथ में रिलेशन दोनों सेंटेंस में स्थापित कर रहा है. ओके, समझ में आ रहा है, ये व्यक्ति था इसलिए हु लगा, ये चीज़ था इसलिए हुच लगा. ओके, और दैट दोनों में यूज होता है, ये वाला भी आपको याद करना होगा. ओके, यू सी दिस रिंग, द रिंग वॉज प्रेजेंटेड बाय यू ऑन द ईव ऑफ माई मैरिज. You see this ring that was presented by you on the eve of my marriage. ये है आपके डेट हो गया. तो ये है आपके रिलेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट है इनडेफिनाइट प्रोनाउन. इसको क्या कहते हैं, इनडेफिनाइट प्रोनाउन, जो कि हमें जानकारी नहीं मिली, अनिश्चित कहा जाता है, जिसके बारे में हम पता नहीं चलता है कि वो उसके जगह में कौन सा नाउन होता है, यानी कौन व्यक्ति था हमें पता नहीं चलता है, या कौन सा चीज़ था हमें पता नहीं चलता है. ओके, तो इसलिए इसको इनडेफिनाइट कहा जाता है. डेफिनाइट कैसे होगा, डेफिनाइट हम जिसको पता चलता है, बाकी सारे डेफिनाइट है, जो इनडेफिनाइट है वो इनडेफिनाइट है. ये वाला मैनी, मैनी का मतलब किसी का नाम आपको पता नहीं, मैनी पीपल वेयर देयर, कौन था पता नहीं आपको, सम पीपल वेयर देयर, कम पता कौन थे पता नहीं, एवरीथिंग एवरीथिंग यूर सेइंग, यानी कि आप स्पेसिफिक वे में आप कुछ नहीं बोल रहे हो, नन एवरी वन, ये सारे हो गए आपके इनडेफिनाइट प्रोनाउन. द प्रोनाउन व्हिच डिनोट्स पर्संस और थिंग इन अ जनरल वे but do not refer to any particular person or thing that are known as indefinite pronoun. तो ये आपका example है, you can go through this. This is a very nice way to understand the thing properly. और एक तो pronoun आ गया कि reflexive pronoun. ये देखो बच्चों, ये जो pronoun पहले use होता है उसको ये reflex करता है, यानी कि और एक बार reflect करके sentence में बताता है. तो ये reflect करता है, इसलिए इसका नाम है reflexive pronoun. ओके, जो पहले यूज होता है इसका, दिस इज द मिरर इमेज ऑफ द फर्स्ट प्रोनाउन. जो प्रोनाउन यूज हुआ है फर्स्ट टाइम, उसका मिरर इमेज होता है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन. और मैं आपको एक बहुत अच्छा बात आज बताऊंगा, जो आप क्लास में हमेशा मिस्टेक करते रहते हो या इंटरव्यू में भी मिस्टेक करते रहते हो. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस ऑफ द क्लॉज. रिफ्लेक्सिव में जैसे कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, यू सेल्फ, इट सेल्फ, ये सारे होता है. तो ये पहले जो प्रोनाउन यूज होता है उसको एक बार रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. आई माई सेल्फ वॉश माई क्लोथ. देखो, आई माई सेल्फ वॉश माई क्लोथ, सिर्फ माई सेल्फ लगाने से होगा क्या, नहीं होगा, माई सेल्फ वॉश द क्लोथ नहीं होगा. हम अक्सर ये गलत करते हैं, माई सेल्फ सो एंड सो, माई सेल्फ राम, रमेश, ओके, ये सब नाम यूज करते हैं, ये गलत होता है, क्योंकि एक मिरर इमेज कैसे है इसका सब्जेक्ट हो सकता है. आप इसलिए कभी क्लास में भी इंट्रोड्यूस मत क्या करो, इंटरव्यू में भी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ के साथ नहीं करो. दिस इज एक सीरियस ब्लॉन्डर, दिस इज टेकन टू बी ए वेरी वीक मिस्टेक, ओके, इन ड्रामा. सो ये देखो, आप रिफ्लेक्ट किया है, हर सेल्फ, माई सन, हिमसेल्फ, चूज द ब्रांच ऑफ विच हायर स्टडीज.
My daughter herself chooses her dresses on which it is better you decide your future of yourself. So ये आपको समझ में आ रहा है. तो और एक बार हम पढ़ेंगे और एक दो चीज़ पढ़ेंगे जो कि एम्फैटिक प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं. वो दोनों सेम होते हैं लगभग, लेकिन इसमें थोड़ा एम्फासाइज्ड होने का चांसेस ज़्यादा रहता है और एम्फासाइज ज़्यादा रहता है. ओके, कुछ जोर देके ज़्यादा बोलता है. इंटेंसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट एम्फासाइज इट्स एंटीसीडेंट्स. ओके, एंटीसीडेंट्स को क्या करता है ना, ये एंटीसीडेंट्स को वो ज़्यादातर के जो पहले यूज होता है उसको ना ये ज़्यादा फोर्स देके बोलता है. ओके, इंटेंसिव इज अ प्रोनाउन दैट एम्फासाइज इट्स एंटीसीडेंट्स. दिस ऑल्सो जस्ट लाइक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन रिवीलिंग इट्स मीनिंग. तो ये थोड़ा जोर देके बोलता है. ओके, इंटेंसिव और इसको एम्फाटिक भी हम कहते हैं. आई माई सेल्फ टेक फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दोज ऑन प्लेजर इंसिडेंट्स. ये देखो ज़्यादा जोर देके बोल रहा है. द म्यूनसिपल कमिश्नर हिमसेल्फ एज्यूर्ड दैट ही वुड टेक इमीडिएट स्टेप फॉर रेगुलर वाटर सप्लाई. जब जोर देने का बात होता है तब ये इंटेंसिव और एम्फाटिक प्रोनाउन होता है. तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन और प्रोनाउन क्या होता है और हमें ये सारे जानकारी क्यों चाहिए. तो ये था आपके प्रोनाउन के बारे में और होप यू अंडरस्टैंड द थिंग प्रॉपरली. और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को बार बार पूछिए. अगर किसी भी जगह में आपको प्रॉब्लम हुआ, किसी भी पॉइंट्स में आपको डाउट हुआ, तो आप क्वेश्चन मेरे को पूछ सकते हैं. और प्लीज़ कमेंट क्या करो, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जितने लाइक और सब्सक्राइब्स करोगे हमें वीडियो नया नया बनाने में मोटिवेशन मिलेगा और इंस्पायर भी आप हमें करते रहिए. थैंक यू सो मच सो दैट. ओके, थैंक यू. वी विल मीट इन द नेक्स्ट टाइम विद ए न्यूअर वीडियो ऑन एडजेक्टिव. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव करेंगे. ओके, बाय फॉर नाउ, टाटा.